okay. We've never seen this, Rohit sir. What do you have to say about this, Josh? All right. Okay. Shant Gadadhari Bhim. आज जल्दी जल्दी आएगी सिंगमत्री. आज तानाजी की बात करेंगे. देखिए आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ. बैठ जा बेटा. आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ. आज आप ये कह सकते हैं कि मैं देवगन फिल्म्स का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय हूँ. उस हैसियत से आया हूँ. मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है और वो नाम है अजय देवगन. आप सब उसे अजय देवगन कहते हैं, मैं बॉस कहता हूं. 30 साल साथ बिताया हम लोगों ने. ये रिश्ता चंद फ्राइडेज का नहीं है, 2 जनरेशंस का है. और आज मैं यहां इसीलिए हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ये सपना अजय ने आज से 30 साल पहले देखा था कि ऑडियंस के लिए एक ऐसा विजुअल क्रिएट करें कि उनके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाए. और इत्तेफाक की बात यह है कि जब अजय का यह सपना पूरा हुआ, यह उनकी 100th फिल्म है. 100 फिल्में, 2 वर्ड, 100 फिल्म्स. लेकिन इसके पीछे 30 साल की जर्नी रही है इस इंसान की. डेडिकेशन रहा है, ऑनेस्टी रही है, कमिटमेंट रहा है. आप लोग अब जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आसान नहीं था. इसके पीछे पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है. अजय सर की खुद की कंपनी NYVFX वाला, ओम राउत द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अजय एज अ प्रोड्यूसर, सेफ, बहुत लोगों की मेहनत है. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आप लोगों ने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा. लेकिन उससे पहले जिस इंसान का ये विजन था कंपनी फॉर्म करना, यहां तक पहुंचना, मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. प्लीज वेलकम अजय देवगन. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सबसे पहले यहाँ आने का. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यहाँ. और रोहित ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं. मेरी जर्नी आई थिंक रोहित के बिना वैसे भी कंप्लीट नहीं होती. जब हमने काम शुरू किया था, ही जॉइंड एज एन असिस्टेंट और तब से ही इज़ बिन पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं एक बात सच्ची कहूँगा कि आज तक इतना प्राइड मैं किसी में नहीं लेता हूं जितना रोहित में लेता हूं कि अ बॉय हु स्टार्टेड विद मी, आज देखिए आप कहां पहुंच गया. सिर्फ अपनी मेहनत से, लगन से, शुरू में सीख के, और अब आप सबने देखा क्या है. सो थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच. और हाईलाइट ये है कि हमारी जर्नी 30 साल पहले जब शुरू हुई, हमारा ऑफिस सामने था, अभी भी है सामने की बिल्डिंग में. मतलब कमाल की बात है. कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद 100 फिल्म्स होंगी, यहां पहुंचेंगे, सामने आएंगे आप लोग के सामने. सर देयर इज वन थिंग अजय सर आपसे पूछना चाहूंगा. मैं यहां सर को, मैंने इतना इमोशनल रोहित सर को इससे पहले कभी नहीं देखा है. यू नो ही इज लाइक सो ओवरवेल्म्ड बाय ऑल दिस. आप मुझे बोले कि जब वो शुरुआत हो रही थी, जैसा उन्होंने कहा जर्नी की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय सर वो लड़कपन में कुछ वैसा अलग कोई किस्सा बनता है सर? मत पूछो भी. मतलब काम के अलावा जो हरकतें लोग बचपन में 15-16 साल की उम्र में करते थे, हम ऐसा शायद 22-23-24 साल की उम्र में करते थे. मेरे डैड बहुत नाराज होते थे एक दूसरे की. हम बातें छुपाते थे, मार खाते थे एक दूसरे के लिए, डांट खाते थे, और एक दूसरे के लिए बहुत झूठ भी बोलते थे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको झूठ बोलना है. सिर्फ अगर किसी को ट्रेलर पसंद नहीं आए तो वो झूठ बोलेगा कि बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी. ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ. You know the hard work that we are talking about over here. मैं कल से मतलब आपकी टीम से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ. वो जो जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, वी हैव नेवर सीन इट. एंड आई एम श्योर इसको देखने के बाद यहाँ भी वही जोश दिखेगा, वही जज्बा दिखेगा. सो सर विथ योर काइंड परमिशन चलिए प्लीज. सो इट्स टाइम
to experience something which you all have never seen before. Tanhaji, the unsung warrior. Chashma sab log pehen lo. सबसे इंपॉर्टेंट जी और ट्रेलर के बीच में कोई तस्वीरें नहीं खींचना तस्वीर नहीं खींचना चश्मा पहन लेना दो बार हम प्रोमो चलाएंगे एक बार खत्म होगा फिर चलाएंगे फिर इंटरेक्ट करेंगे ठीक है चलो ऑल द थैंक यू सो मच और जिन्होंने अभी भी चश्मा लगा रखा है आपको हम 3D दिख रहे थे मैं वही सोच रहा हूँ ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन हियर इज प्रेजेंटिंग तानाजी द अनसंग वॉरियर फॉर द एकदम सही था कि नहीं मैं तो चलिए अब जिसका विजन था जिसने ये शुरुआत की उसे स्टेज पे बुलाते हैं प्लीज वेलकम अजय देवगन ऑन स्टेज सबसे पहले व्हाट अ ट्रेलर अमेजिंग ट्रेलर सर मतलब I literally got goosebumps. Congratulations. This is Ankita from Republic. And आपका 100th project है. बहुत amazing trailer है. एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ. आपको, first of all, जो भूमिका आप निभा रहे हैं वो बहुत ही respectful भूमिका है in the film. साथ ही आपको बहुत ही daredevil stunts भी हम करते देख रहे हैं. तो किस तरीके से उस चीज़ की preparation की और कितना special है ये film आपके लिए? I think ये film, apart from it being 100th film, वैसे ही इतनी special है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप कोई फिल्म करते हैं जैसे तानाजी जैसी फिल्म करते हैं जब तानाजी की आप भूमिका निभाते हैं जो कि एक इतने बड़े वॉरियर हीरो रह चुके हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जैसे शरद कह रहा था कि शिवाजी राजे जब करते हैं तो यू नो तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को किसी गलत तरीके से पोर्ट्रे ना करें तो सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक्शन करना स्टंट्स करना अब काफ़ी मारे भी लगी हुई हैं रोहित को भी पता है इस वक्त मेरे पैर में भी बहुत तकलीफ है लेकिन करना पड़ता है तो उसके लिए मेहनत करके कर लेते हैं हाय अजय दिस साइड लेफ्ट या लेफ्ट हियर हियर दिस साइड या ट्रेलर इज ऑसम मेरे ख्याल से ये एक इतिहास बनाएगी पिक्चर अजय ये जाना है 30 साल पहले आपने सपना देखा था तो 30 साल रोक पाना और उस पर किस तरीके से आपने काम किया था जो अब साकार करने का सोचा जब हम सपने की बात करते हैं तो जब हम डिस्कस करते थे हम ये डिस्कस करते थे कि हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं हमारे पास वो उस किस्म की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है और सपना यही था कि किसी दिन हम इस किस्म की फिल्में बना सकें जो कि हम एट पार बाहर की फिल्मों के सामने खड़े रह सकें और बोलें कि देखिए हमारे पास बजट आपसे आधे से भी कम है लेकिन फिर भी हम आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं या शायद तो सपना यही था क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियंस हैं हमारे पास अगर इतने बजट में अगर हम ये क्वालिटी ला सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारे टेक्नीशियन कितने ज़्यादा बेहतर होंगे तो ये मुझे लगता है और यही सपना था कि उन सबको सामने ला के हम ऐसी क्वालिटी दिखा सकें एक एक वक्त आएगा और जब हम ये सपने की बात करते हैं तब तब फिल्म में आपको पता है कि किस क्वालिटी की भी बनती थी कोशिश तब भी लोग करते थे लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो अब वो आ गई है तो अब लोग मेहनत कर रहे हैं अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं डायरेक्टर्स हैं तो ये जो आप देख रही हैं ये आज साकार करने में उन सब का बहुत बड़ा हाथ है आई थिंक सोचना तो ये इस बारे में ओम ने सोचा और ओम ने बहुत मेहनत की इस पे जब ओम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाया मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया फिर उसके बाद हम बैठ गए इसको कि इस लेवल तक कैसे लेके जा सकें और लकीली मेरे पास हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है NYVFX वाला जिनका काम आपको नज़र आता ही है और आज तक नज़र आता ही आया है तो आई थिंक इन सब ने मिल के ये चीज़ें पूरी कर पाए ओम ओम स्टेफ ओम ट्रेलर आवडला इम्प्रेसिव्ह आहे अगदी ओम इकडे 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 ओके ओके थँक्यू या सब्जेक्टसाठी केलेला स्टडी मेहनत अभ्यास याबद्दल थोडंसं पाहिजे खूप डिटेल्समध्ये गेला असणार या सब्जेक्टसाठी हा बहुत मेहनत की बहुत स्टडी किया बहुत सारे बुक्स पढे बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर से इंस्पिरेशन ली है एंड वी स्टार्टेड ऑन दिस journey in 2015 when we started writing this film
Mr. Prakash Kapadia, who's the, as I say, that, you know, Chite ki chaal, baas ki nazar aur Bajirao ki talwar jo line likhi hai, Prakash Kapadia ke kalam par koi sandeh nahi karte. Mr. Prakash Kapadia came on board, Prasad Sutar was here, and we started this doing ultra research on the smallest of the aspects of the film. Har ye duniya banani padti hai, ye world banana padta hai. 1670 kisi ne dekha nahi hai. To 1670 mein world kaise tha? Wo world create karne mein humne bahut time nikala. And aise karte 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 bahut sari books se references leke, bahut sari paintings se reference leke, we came to a point where we could do what we could do. Okay. Does that answer your question, sir? Steph, आपके लेफ्ट में इधर यहाँ पे राइट में सॉरी सबसे पहले तो ताना जी की बात करें तो बहुत टाइम के बाद हम एक बेहतरीन 3D फिल्म देखने वाले हैं जिस तरह से हमें देखने को मिला और स्टेफ अगर हम आपके किरदारों की बात करें तो आपने कई सारे शेड्स निभाए हैं बट उदय भान का किरदार एक बहुत ही अलग लेवल का है उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी बिकॉज वो एकदम अलग आपकी पर्सनैलिटी से टोटली अलग है मुझे इतना मजा आया फिल्म करते वक्त हमने करियर में काफ़ी मेहनत की है लाइव लोकेशंस में जाकर और यू नो बैक ऑफ बियॉन्ड में शूटिंग की है तो हम लोग सुबह उठ के मैं ड्राइव करता था नो ट्रैफिक स्ट्रेट टू फिल्म सिटी वहाँ पे दो बड़े सेट लगे थे अजय देवगन फिल्म्स एयर कंडीशनर चला हुआ था और सब ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन चारों तरफ हाँ नो आई डोंट नो बट तो मुझे मतलब इतनी कम्फर्टेबल शूट थी और हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने इतना फोकस किया मेरे ऊपर और एक मौका दिया कि एक दो दस पंद्रह टेक हम लोग करते थे वहाँ पे 27 हम लोग मेहनत करते थे उसको इम्प्रूव करते थे कभी कभी 20 टेक 25 टेक भी किए हैं तो ऐसा 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 मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है और हमने उसको इम्प्रूव किया हमने और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टेक सेकेंड टेक अच्छे नहीं थे लेकिन हम एक परफेक्शन के पीछे पड़े थे हमने बहुत बहुत इतनी मेहनत मैंने ये अपनी परफेक्शन के पीछे पड़े थे लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट टेक या सेकंड टेक ही ओके लगे हुए लेकिन बेसिकली डायरेक्टर ने बहुत बहुत मदद की मेरी और फॉर यू टू ओनली डू सो मेनी टेक्स विद सो मच एनर्जी आई गेस आई हैड टू मच फन इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इट वाज अ लिटिल क्रेजी कैरेक्टर एंड इट वाज ब्यूटीफुल फन रियली हेलो अजय सर हाय हेलो हाय हाय अजय सर हाय फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रेलर है और सभी को आई होप बहुत पसंद आया होगा जय भवानी जय शिवानी जी सो जैसा कि हमने बताया काफ़ी बुक्स से लिया गया काफ़ी ड्राइंग्स रही काफ़ी पेंटिंग्स रही उससे काफ़ी कुछ निकाला गया इस तरह के प्रेप रही आपकी क्या प्रेप रही इस तानाजी के किरदार वही जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया प्रेप मेरी आई फॉलोड माई डायरेक्टर और देखिए जो हमने पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे वो बिहेव करते थे तानाजी कैसे वो क्या करते थे वो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है तो वो आपको एक इमेजिन करना है और वो डिग्निटी मेंटेन करके करना है बेसिकली जिस तरह हमने देखा ट्रेलर बाहुबली से भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपके नहीं मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी फिल्म से कंपेयर करें हमारी फिल्म अलग है हमारी फिल्म अलग कहानी कह रही है तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा काम कर लें तो दैट्स इट वेल टुडे बीइंग मैंस डे अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मेन स्टैंडिंग ऑन द डाइस टुडे इज मैंस डे आज मैंस डे हैप्पी मैन अ राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस अ राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज़ वी कैन सी ऑल मेन ऑन द डाइस माइनस वुमेन ओके शरद खेलकर आप शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी हाँ छत्रपति शिवाजी आई एम सॉरी छत्रपति शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं व्हाट इज दैट वन मैनली क्वालिटी मे हैव वैल्यूड यू बड़ा मुश्किल है कहना बिकॉज किसी ने उन्हें देखा नहीं है या कहीं लिखा नहीं गया उनके बारे में ये एक मेरा परसेप्शन है उनके बारे में या एक डायरेक्टर का एक विजन है उनके बारे में कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे होने चाहिए और मैंने उनकी बात रखते हुए अपने अंदर से जो मुझे लग सकता था कि जो सही बैठेगा उनके लिए मैंने वही किया है फिल्म के अंदर एंड होपफुली जो फर्स्ट पोस्टर आया
उसका जैसा रिस्पॉन्स है आई थिंक मैंने परीक्षा पास कर ली है. और मेरा गुजारिश है सभी से जो स्टेज पे खड़े हैं, एक एक मैनली क्वालिटी जो आप लोग एडहर करते हो. मैं तो बड़ा हम्बल हूँ मतलब. डायरेक्टर साहब ये हम्बल तो इन्होंने चुरा लिया. पोलाइट. ओके. सबसे बड़ी मैनली क्वालिटी ये होती है हर इंसान की, हर आदमी की, मर्द की, कि वो अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट औरतों को दे. भूषण जी, भूषण जी, भूषण जी. आई कीप स्पेलिंग, दैट्स क्वालिटी. बेस्ट है ये. आई शेव माय आर्म्स. ओह ग्रेट. रोहित, रोहित शेट्टी. हाँ मैम. वही क्वालिटी. मैं आप बचपन से देख रहे हो, आप ही बता दो. आप बताइए ना, क्योंकि आपका अपनी फैमिली की को प्रोटेक्ट करना, टेक केयर करना है ना, सर सेट के औरतों की इज्जत करना. ओह दैट इंक्लूड्स योर मदर, योर वाइफ, योर सिस्टर, योर वेलकम टू यू, वेलकम टू यू, वेलकम. सिर्फ खराब बात यह है कि सिर्फ चार लाइनें, ज्यादा होनी चाहिए थी. आई थिंक ओम आप बात करेंगे उसके बारे में अबाउट तानाजी. नहीं आप बोलो. बिकॉज एज अ डायरेक्टर ही स्पीक्स वेरी वेल अबाउट. शायद शाम दोपहर कम पड़ जाएगी, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट तानाजी मालुसरे फॉर एवर. बट तानाजी वो जो कहा जाता है कि गढ़ आला पण सिंह गेला, दैट इज़ वॉट इज सेड अबाउट तानाजी इन मराठी. बट वॉट इट्स मीन्स इज मेरा गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह चला गया, इज वॉट छत्रपति शिवाजी राजे सेड. इट्स ऑल्सो बिलीव्ड इन द हिस्ट्री दैट छत्रपति शिवाजी राजे डिड नॉट से दैट ही एक्चुअली वॉट ही सेड वॉट इज गढ़ आला पण गढ़ गेरा, मेरा एक गढ़ तो आ गया पर तानाजी वो अपने आप में एक गढ़ था, वो गढ़ में गवा बैठा. ऐसा भी कहा जाता है कि राजे ने ऐसा कहा था. सो तानाजी अपने आप में एक गढ़ था. शिवाजी राजे के जो भी इसके पहले जो सारी मुहिम हुई थी उनमें उनका बहुत ही एक हाथ बार लाए, साथ में रहे हैं. जब शिवाजी राजे ने रायरेश्वर के मंदिर के बाहर जब स्वराज की शपथ ली थी, जहाँ से हिंदुस्तान के स्वराज की मुहिम की शुरुआत हो गई, उस मुहिम के वक्त, उस शपथ लेते वक्त वहाँ पे गिने चुने बहुत कम मावड़ा उपस्थित थे और उनमें तानाजी मालुसरे खुद उपस्थित थे. तो वहाँ से ही, मतलब बचपन से ही वो शिवाजी राजे के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, उनके स्वराज के बहुत बड़े शिलेदार रहे हैं और उनके साथ में लड़ते आगे. और ये जब ये ऐसा बड़ी मुहिम आई जहाँ पे जान को खतरा होने की एक बात थी, तो उसमें राजे खुद मुहिम का नेतृत्व करने वाले थे बट तानाजी ने ही टुक द बुलेट फॉर हिम. ही वेंट आउट एंड ही फॉट द बैटल फॉर हिज डियर फ्रेंड, फॉर हिज सॉइल, फॉर हिज मदरलैंड, फॉर आवर मदरलैंड. एंड यू नो इफ दिस बैटल वुड हैव नॉट हैपेंड, विच इज़ द बैटल ऑफ सिंहगढ़, वॉट इज़ वॉट वी कॉल इट टुडे, कोंडाना इज नोन एज सिंहगढ़, इफ द बैटल वुड हैव नॉट हैपेंड, आई थिंक द हिस्ट्री एंड जोग्राफी, द सदर्न इंडियन पेनिनसुला वुड बी वेरी डिफरेंट. The entire drive for the foreign invasion, for the Mughals' invasion, was to get access to the Arabian Sea and to get access to the Indian Southern Peninsula. If this war of Sinhagarh, Kondhane ki ladai agar nahi hui hoti, to the history and geography of our nation would be different. So I think keeping that in mind, Tanaji Malusare, who was a farmer at one point, you know, he was a father, he was a husband, he was a brother, he was Shivaji Raje's closest friend. I think the type of valor and the charisma that he showed at the battlefield is something that we want to tell people, and that's why we actually made this film. Hi, Saif. Saif, sir. Hello,